गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था कि हम सेपरेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो क्रीम बनाना मिल्क से, वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा? सेंट्रीफ्यूगेशन। उसका प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल इज़ द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल शेयर द टॉप। जो डेंसर मतलब हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर हल्के पार्टिकल ऊपर पानी के ऊपर रह जाते हैं। ये था सेंट्रीफ्यूगेशन। अब है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते हैं उन लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे कि सॉल्ट एंड कैम्फर, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन के प्रोसेस से। अब सब्लिमेशन में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉलिड से सीधा जो गैस बन जाती है और गैस से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का डायग्राम बना हुआ है, ये लैब में हम परफॉर्म करेंगे तब आपको अच्छे से और पता चलेगा। अब है डाई को हम क्या, डाई सिंगल कलर होती है, डाई जो हम बालों में लगाते हैं तो नहीं। एज द वाटर आइज यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स का मिक्सचर होती है। द कलर कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल, ऐसा कलर जो ज़्यादा पानी में घुलता है वो ऊपर इस एक्टिविटी में जल्दी राइज हो जाता है और कलर क्या हो जाता है? सेपरेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये एक्टिविटी रीड करेंगे आपको पता लगेगा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इसमें हमें क्या लेना है? थिन स्ट्राइप ऑफ फिल्टर पेपर और एक लाइन ड्रॉ करनी है और हम एक ड्रॉप इंक की एक ड्रॉप डालनी है और नीचे हमें क्या डालना है? टेस्ट ट्यूब में पानी डालना है। अब हम देखेंगे तो वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज होगा और डिफरेंट कलर्स आएंगे, तो इससे हमें पता लगेगा कि इसमें ज़्यादा कलर है। और तो इस प्रोसेस को हम किस किस में यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी को सेपरेशन ऑफ कलर्स में, कलर इन डाई पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपको याद करनी है। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो कि उस सेपरेशन में काम होती है जिसमें दो सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, सेम ही सॉल्वेंट में जो है सोल्यूट डिसॉल्व किया जाता है। अब है कैसे हम सेपरेट करते हैं? मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, ठीक है, जैसे एसीटोन और वाटर। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें लेना है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। ये एक्टिविटी आप रीड कर लेना, वैसे आपको समझ कम आएगी क्योंकि ये परफॉर्म करने वाली चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ही समझ आती हैं। तो आप नेम याद कर लेना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये, और ये ऐसे मिक्सचर को अलग करने में यूज़ होता है जो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर। अब है डिस्टिलेशन के अंदर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जिसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख लेना। और अगला टॉपिक है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो हमें कैसे मिलती है, वो कौन से प्रोसेस से मिलती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये आपको एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कि किस किस चीज़ को हम कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। अब एयर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं प्रेशर इंक्रीज करके, फिर वो लिक्विड एयर बन जाती है और फिर हम उसको वार्म अप मतलब गर्म करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में। इस तरह से हमें गैसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है बेटा। ये है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का पूरा डायग्राम कि कैसे कैसे होती हैं। अब है हाउ कैन वी ऑब्टेन कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो इसका प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो कि यूज़ होता है सॉलिड्स को प्योरीफाई करने में, जैसे कि सॉल्ट को सी से, सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट होता है, तो हम सॉल्ट कैसे निकालते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, जो कि एक प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन में से निकाल देता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन है, एक तो सॉल्ट वाला एयर, एक सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्बम फिटकरी, फिटकरी को हम जो अलग करते हैं किचन में यूज़ करते हैं।
अब है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, ये वाला टॉपिक हमारा रह गया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज आपको एक टेबल बनानी है जिसमें किस किस चीज़ को हम कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं वो लिखना है।